हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टाइम एंड टेस्ट। तो आज हम बनाने लगे हैं चिकन इन फ्राइड अनियन। तो 7 से 8 मैंने मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं, इनको लॉन्ग स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इनको हम फ्राई करेंगे। और 8 से 9 गार्लिक की यानी लहसुन की कलियाँ हैं, इनको भी बारीक कट कर लें। तो इन दोनों को हम एक साथ फ्राइड करेंगे डार्क ब्राउन होने तक तेल में। तो दोस्तों, कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, तो तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा और इसे हल्का सा तल लें। और इसके साथ ही हम डालेंगे प्याज और लहसुन जो हमने बारीक कट करके रखा है। तो इसे मिक्स करें अच्छे से और मीडियम टू हाई फ्लेम पर डार्क ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राई करना है। प्याज को फ्राई होने में टाइम लगता है, तो 5 से 7 मिनट इसे लगेंगे हाई फ्लेम पर। तो इसे फ्राई होने देते हैं। तो देखिए दोस्तों, करीब 7 से 8 मिनट हुए हैं और प्याज जो है काफ़ी ब्राउन हो चुका है। तो इस तेज पे आके गैस को बंद कर दें, प्याज को तेल में से निकाल कर, और इसे हल्का सा ठंडा होने दें। तो ये जो प्याज और लहसुन हमने भून के रखे हैं, इसमें डालेंगे करीब 15 से 20 बादाम। इनको पानी में भिगो के रख लें और इनका छिलका उतार लें। अब इसका पेस्ट बना लेते हैं। प्याज का जब पेस्ट था बन जाएगा, तो इसमें 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे दही का और फिर से एक बार इसे ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। प्याज और बादाम का जो पेस्ट है वो रेडी हो चुका है। प्याज का जो बाकी बचा हुआ तेल था उसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसी में हम चिकन जो है फ्राई करेंगे। तो उसे हल्का सा फ्राई करना है ताकि उसका जो कलर है वो हल्का सा वाइट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये देखिए जो चिकन का कलर है वो चेंज हो चुका है, हल्का सा वाइट दिख रहा है। तो इससे इससे आके गैस की फ्लेम लो कर दें और करीब 5 मिनट तक चिकन को इसमें पकने दें। तो इससे चिकन के जूसेस होंगे वो इसमें रिलीज होंगे और चिकन उसमें ही पकता रहेगा। तो दोस्तों, जब तक चिकन रेडी होता है हम एक और पेस्ट रेडी करते हैं। टमाटर डाले हैं 2 बड़े, 3 हरी मिर्चें हैं और पुदीने के पत्ते इसमें डाले हैं। तो जो प्याज बनाने के लिए मैंने ग्राइंडर यूज़ किया है, सेम मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका भी एक पेस्ट बना के रख लेते हैं। तो ये पेस्ट भी रेडी हो चुका है। तो जो जो चिकन है दोस्तों वो भी ऑलमोस्ट पक चुका है अपने जूसेस में। अब इसमें हम डालते हैं टोमेटो पेस्ट जो है काफ़ी थिक था, तो इसे मुझे स्पून की हेल्प लेनी पड़ी। तो इसे अब चिकन के साथ से मिक्स करते हैं और इसमें टमाटर का कच्चापन खत्म होने तक हम इसे कुक करेंगे। स्वाद के अनुसार इसमें हम डालेंगे नमक, गर्म मसाला और हल्दी पाउडर, और 1 बड़ा चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर। तो इससे जो टमाटर हैं वो भी जल्दी पक जाते हैं। तो मसाले डालने के बाद इसे एक अच्छा सा स्टर कर लें, और मसाले डालने के बाद इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा पकने में। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 5 मिनट में ये पक जाएगी ग्रेवी इसकी। तो देखिए, जो टमाटर का जो मसाला था हमने वो काफ़ी अच्छे से पक चुका है, तेल भी सेपरेट होता हुआ दिख रहा है। अब इसे हम डालेंगे प्याज का जो पेस्ट हमने बना के रखा था, और इसे मिक्स कर लें इसे भी अच्छी तरह से। प्याज का पेस्ट आने के साथ इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो प्याज के पेस्ट वाले बर्तन में ही, लाइक जैसे कि हम होम मेड कुकिंग में करते हैं, उसी बर्तन को यूज़ करके थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मिक्स करें इसे। तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि टमाटर ऑलरेडी पक चुके हैं और प्याज भी हमने ऑलरेडी फ्राई करके ही पेस्ट कर किया था। तो 2 से 3 मिनट तक इसे हम कुक करेंगे। और चिकन भी ऑलमोस्ट पक चुका है, काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो बस इसे अभी हम मसाले के साथ मिक्स करेंगे। इसमें आप चाहें तो ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। मैंने करीब 1 कप हल्का गुनगुना पानी डाला है। तो ठंडा पानी ना डालें, ठंडा पानी डालने से जो चिकन है वो आपका हार्ड हो सकता है। तो हल्का गुनगुना पानी डालें और इसे पकने दें करीब 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो दोस्तों, चिकन इन फ्राइड अनियन रेडी हो चुका है। तो इस यूनिक रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इस रेसिपी को पनीर के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।